राज्यसभा चुनाव कांग्रेस विधायकों को लेकर बस पहुंची भीलवाड़ा। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ राजमार्ग पर स्थित रिसॉर्ट में पहुंचे विधायक। राजस्व मंत्री रामलाल जाट की ओर से भोज का कार्यक्रम। रिसॉर्ट के बाहर पुलिस जाप्ता तैनात। तो आपको बता दें, शाम को 5 बजे के करीब सीएमआर से बस रवाना हुई थी और अब ये बस जो कांग्रेस विधायक इसमें मौजूद हैं, वो बस भीलवाड़ा पहुंची है। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ राजमार्ग पर स्थित रिसॉर्ट में पहुंचे विधायक। राजस्व मंत्री रामलाल जाट की ओर से भोज का कार्यक्रम है। रिसॉर्ट के बाहर पुलिस जाप्ता तैनात है। तो आपको बता दें, ये कहा जा रहा है कि उदयपुर लगभग 11 बजे के आसपास ये शायद पहुंच जाए। हालांकि अभी भीलवाड़ा ही पहुंचे, थोड़ा लेट ये बस शायद चल रही है, लेकिन उदयपुर पहुंचने से पहले डिनर का कार्यक्रम जो था वो रामलाल जाट के पहले से ही तय था। और ऐसे में राजस्व मंत्री रामलाल जाट की ओर से भोज का कार्यक्रम रखा गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, अब जो बस है जिसमें कांग्रेसी विधायक मौजूद हैं, तमाम विधायक जो उदयपुर जा रहे हैं वो भीलवाड़ा पहुंच चुके हैं? बिल्कुल, भीलवाड़ा पहुंचे हैं। अभी जो भीलवाड़ा चित्तौड़ राजमार्ग पर जो एक अलास्का रिसोर्ट है, यहाँ पर भीलवाड़ा में ये विधायक पहुंचे हैं। इनका वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने अभिनंदन किया है। इन लोगों का अभिनंदन करने के साथ में जो पंडित अशोक व्यास है उनके नेतृत्व में तिलक लगा के, मुंह मीठा करा के और उनके रोली और चंदन लगा के उनका स्वागत किया गया है। उनको अभिनंदन के साथ में अब इस बस पे जो 46 MLA की बात की जा रही है, साथ में 7 ऐसे विधायक हैं जो निर्दलीय विधायक हैं, वो भी इस बस में सवार हैं। और अब इनको यहाँ पे कुछ ही देर बाद में जो विधायक जो राजस्व मंत्री रामलाल जाट है उनकी तरफ से एक यहाँ पे इनको भोज दिया जाएगा। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। और रामलाल जाट के ऊपर जिस तरह से पहले भी अभी अभी कुछ दिनों पहले चिंतन शिविर हुआ तो वहां पे भी प्रभारी मंत्री रामलाल जाट को जिम्मेदारी अहम दी गई थी। और अभी जो जिस तरह से वापस जो राज्यसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही है, राज्यसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से प्रशिक्षण के नाम पर कांग्रेस के MLA को उदयपुर ले जाया जा रहा है, वो भी उन्हीं के प्रभारी मंत्री हुई है उदयपुर के, जहां वहां MLA को ले जाया जा रहा है। बेटा नवीन, देखिए क्योंकि अभी सभी विधायक पहुंचे हैं, क्या भोज का कार्यक्रम अभी चल रहा है और यहां से उदयपुर की कितनी दूरी, कितने समय में उदयपुर पहुंच जाएंगे? अभी ये जस्ट उतरे हैं इसलिए ये अभी भोज की तैयारियां चल रही है। अभी कुछ ही देर में होटल में पहुंचेंगे, अंदर जो अलास्का में पहुंचेंगे, अभी बाहर ही खड़े हुए हैं ये। और ये अभी अभी जिस तरह से अभी अगवानी चली रही है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी अभी रामलाल जाट ने जिस तरह से जो MLA आए हैं बस के अलावा और 3 MLA गाड़ी में आए इनोवा में, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। जी नवीन, क्योंकि अभी भोज की शुरुआत नहीं हुई है, अभी अभिनंदन चल रहा है, स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है, लगभग कितनी देर रुकने का यहाँ पर कार्यक्रम है? अभी जो जिस राजस्व मंत्री रामलाल जाट से हमारी कुछ देर पहले चर्चा हुई थी यहाँ पे, सबसे पहले वो पहुंचे थे अकेले गाड़ी लेके और उन्होंने अगवानी की थी यहाँ पर। अगवानी करने से पहले उनसे बातचीत हुई थी, उन्होंने बोला कम से कम भी 2-1 घंटे का यहाँ पे कार्यक्रम है, यहाँ पर सारे जो विधायक हैं वो रुकेंगे। करीब 7 से अधिक विधायक हैं जो निर्दलीय विधायक हैं और साथ में कांग्रेस के विधायक हैं। अच्छा नवीन, तो ये मान के चले कि उदयपुर ये जो बस है वो देर रात तक पहुंचेगी? बिल्कुल बिल्कुल, अभी इस बस को उदयपुर कितनी देर में पहुंचती है ये कुछ देर बाद पता लगेगा, क्योंकि अभी जस्ट उतरे हैं ये लोग और इसकी अगवानी का। ठीक है, और ये कहा जा रहा है कि 2 घंटे के लगभग जो है वहां पर रुकेंगे, भीलवाड़ा में भोज का आनंद लेंगे और उसके बाद ये बस आगे के लिए उदयपुर के लिए रवाना होगी। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन आपका जानकारी के लिए।